वेलकम बैक जूनियर। सो लास्ट क्लास में हमने एक प्रोजेक्ट किया था अबाउट बर्थडे कार्ड, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि जब प्रोजेक्ट में हम जब भी थीम यूज करते हैं एंड देन मुझे कुछ कार्ड बनाना है सिंपली, तो कैसे बन सकते हैं और कैसे वो प्रेजेंट होगा स्टेज में। तो अब हम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट अ स्टोरी, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हमें कैसे उसको फॉर्म करना है स्टोरी को स्टेप में। तो सबसे पहले आज हम अगेन विल स्टार्ट कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूज अ बैकड्रॉप लेंगे, देन विल चूज अ स्प्राइट, फिर वो स्प्राइट कैसे स्पीक करता है हमें, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कैसे देख के हम प्ले कर सकते हैं। मैंने कहा था ग्रीन एंड रेड, अब जो इसका यूज है जैसे लास्ट बर्थडे कार्ड में बताया था, अब हम इसको वापस देखेंगे कैसे प्ले करता है जब कैरेक्टर और एनिमेटेड स्टोरी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप वन में जाते हैं, वहां पर हम तीन चीजें सीखेंगे पहले की। तो पहले मैं अब स्टार्ट करती हूँ, सो यू कैन नोट डाउन द पॉइंट्स एंड सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन कौन से मैंने कोड यूज किए थे एंड आई यूज इन द स्क्रिप्ट एरिया। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैकड्रॉप चूज करेंगे एंड आई वॉन्ट कि हमारा जो बैकड्रॉप हो अबाउट मैजिशियंस के बारे में, क्योंकि जादू का जो क्रेज होता है हम लोग को देखने का बहुत इंटरेस्टिंग, और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है हमें देखने में। तो सबसे पहले विच हाउस में चूज करती हूँ एंड क्योंकि उसका जो बैकड्रॉप में जो इसमें जो यूज हुआ है वो पूरा मैजिशियन का ही लग रहा है। हाउस सो विल चूज वन दिस एंड आई विल रिमूव दिस कैरेक्टर स्प्राइट, बिकॉज यहाँ पर मैंने थीम अगर यहाँ पर ये ली है तो मेरा कैरेक्टर भी उसके रिलेटेड ही होना चाहिए। कोई भी स्टोरी का बेस हमारे कैरेक्टर के साथ बहुत मैच होना चाहिए, तभी हमारी वो चीज कैटअप देती है। तो अब हम जाएंगे चूज अ स्प्राइट, तो आई वांट टू चूज अ मैजिशियन नाउ एंड आई वांट दिस पीपल, ऑब्वियसली वो पीपल में रहेगा क्योंकि हमें ऑल में जाना नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सोच लिया है कि मुझे कौन सा कैरेक्टर लेना है। देन आई विल चूज हियर इज विजार्ड इज हियर, सो इनका गेटअप भी उस तरीके से, तो विल चूज एंड ही इज हियर एंड ये इनको अब मैंने बताना है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या लिया, पहले चूज बैकड्रॉप के जूनियर्स, अब मैंने उसके बाद सेकेंड स्टेप लिया चूज अ स्प्राइट, तो हमने चूज अ स्प्राइट ले लिया। अब थर्ड स्टेप के मूव हो रहे हैं, तो थर्ड स्टेप में सबसे इम्पोर्टेंट मैंने हमेशा कहा जब भी आप कोई भी एनिमेटेड या गेम या कुछ भी बना रहे तो व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक हमें लेना ही है, वो मिलेगा इवेंट्स में। अगेन आई एम रिपीटिंग, इवेंट्स कहाँ पर है आपका, कोड के इधर है, कोड के येलो कलर में, और ये आपका कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में जाना है, हमारे कोड डिस्क्रिप्शन मिलते हैं। हमने यहाँ से ड्रैग किया कोड, मैंने व्हेन ग्रीन फ्लैग ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया में रख दिया, सो डैट कि जब ये कैरेक्टर कुछ बोले तो विल प्ले अ स्टोरी, क्योंकि पहला स्टेप हम यही सीखेंगे कि एक कैरेक्टर कैसे लेता और कैरेक्टर कैसे बोलेगा। तो अब मैं चाहती हूँ वो मुझे अब क्या चाहिए कि ये कैरेक्टर कुछ बोलना चाहिए, सो आई विल गो टू माय कोड लुक्स में एंड आई विल चूज द फर्स्ट वन, क्योंकि से हेलो फॉर 2 सेकेंड, तो मैं यहाँ पर ये वाला कोड मैं पिक कर रही और ड्रॉप कर रही हूँ मेरे इधर एंड आई वॉन्ट कि वो हेलो नहीं बोलेगा एंड ही विल से वेलकम बैक टू मैजिक स्कूल, वेलकम टू मैजिक स्कूल। सो वेलकम बैक नहीं लगाएंगे हम, वेलकम टू मैजिक स्कूल डालते हैं, दैट विल बी अ बेस्ट। सो वो इंट्रोड्यूस कर रहा है कि इट इज मैजिक स्कूल, तो वेलकम टू मैजिक स्कूल, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें मैजिक के रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है, राइट? तो आपको मैजिक देखना बहुत अच्छा लगता है, सो एनिमेटेड स्टोरी में भी देखिए मैजिक रहता तो हम कितना इंटरेस्ट में देखते हैं, राइट? तो दैट्स व्हाई आई चूज दिस थीम सो दैट वी कैन बी अ वेरी, सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस फ्लैग, तो ही इज सेइंग वेलकम टू मैजिक स्कूल, ओके? तो ये फर्स्ट स्टेप था कि हमने कैसे इंस्ट्रक्शन देना है और मेरा कैरेक्टर बोलेगा। अब हम दूसरा स्टेप बनाएंगे जिसमें दो कैरेक्टर होंगे एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, तो अब नेक्स्ट स्टेप वो कैसे यूज करना है वो अब हम चेंज करेंगे, चूज अ बैकड्रॉप एंड एवरीथिंग, देन विल चूज कि वो कैसे करते हैं, ओके किड्स? सो ये स्टेप आई थिंक एवरीवन गॉट क्लियर कि कैसे करना है एंड सिंपली कैसे हमें बैकड्रॉप चेंज करना है, कैरेक्टर चूज कैसे करना है एंड लुक्स में जाके हमें यहाँ पर सेम है, हम चेंजेस कर सकते, जरूरी नहीं कि हमें हलो ही चाहिए,
वीकेंड हम अपना जो भी मुझे बुलवाना है उससे आई कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू दिस. ओके गाइस, सो नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप.